अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर अस्मा जिब्रान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है, खुसूसन मिडिल एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने में आ रही है। आज हम हील पेन पर बात करेंगे। दोस्तों, पाँव का सबसे अहम हिस्सा एड़ी है। अगर आपकी एड़ी में दर्द होगा तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। आपने इर्द गिर्द अक्सर लोगों को देखा होगा इस दर्द की वजह से परेशान रहते हैं। इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगी इसकी अलामत, वजूहात और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जो हील पेन के दर्द में आपको आराम देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मर्दों की निस्बत खवातीन में ज्यादा देखी जा रही है। मेरे क्लिनिक पर अक्सर मरीज हील पेन की प्रॉब्लम से आते हैं, मगर उनको पता ही नहीं होता है कि दर्द क्यों हो रहा है। अक्सर लोग इसे काम की ज्यादती की वजह से समझते हैं, या थकावट की वजह से समझते हैं, या ज्यादा देर चलने की वजह से ये दर्द हो रहा है ही समझते हैं। मगर दरअसल दोस्तों, ये दर्द हमारी एड़ी में मौजूद एक छोटी नोकीली हड्डी की बढ़ने की वजह से होता है। इस हड्डी के बढ़ने की वजह से मरीज की एड़ी में शदीद दर्द चुभन होती है। अक्सर मरीजों के प्लांटर फेशिया की वजह से पाँव में स्टफनेस हो जाती है, वो ठीक तरह से चल भी नहीं सकते। तो इसकी जो वजूहत है, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो दर्द बहुत शिद्दत पे होता है, आपकी एड़ी में बहुत शदीद दर्द होता है। बास लोगों को चलने फिरने से एड़ी के दर्द में आराम मिलता है, और बास मरीजों की दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है, और दर्द के साथ साथ उनको चुभन भी होना शुरू जाती है। हड्डी के बढ़ने की वजह से मरीज की एड़ी में सुइयाँ चुभती हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है। हड्डी के बढ़ने का अंदाजा सिर्फ एक्सरे की मदद से ही लगाया जा सकता है। मोटे लोगों में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। उनके वेट बढ़ने की वजह से उनकी एड़ी पे जोर पड़ता है, जिसकी वजह से उनको एड़ी में शदीद दर्द होता है। इसी तरह जो लोग बहुत ज्यादा फिटेड शूज पहनते हैं, या बहुत ज्यादा फ्लैट शूज पहनते हैं, या बहुत ज्यादा हाई हील पहनते हैं, वो लोग भी अक्सर एड़ी के दर्द की कंप्लेन करते हैं। जो लोग वॉक ज्यादा देर तक करते हैं या दौड़ते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जो लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं, उनमें भी मसला हो जाता है। विटामिन की कमी और कैल्शियम की ज्यादती में भी है ना आपके हील पेन में दर्द होता है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में भी आपको हील पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑर्थोराइटिस के मरीज में भी हील पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ वजूहत है जिनकी बिना पर आपको हील पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी अलामत पर। इसकी जो अलामत है, वो सुबह के टाइम दर्द बहुत शदीद होता है मरीज के, एड़ी में जलन और चुभन का एहसास होता है, और कुछ लोगों को चलने फिरने से एड़ी के अंदर शदीद दर्द होता है। दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बेहतरीन दवाओं पर, जिसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं, जो बहुत ही फायदेमंद दवाएं हैं। हमारी पहली दवा है रेस्टॉक्स 30। अगर सुबह के टाइम दर्द आपको शदीद हो रहा हो, चलने से आपको आराम मिले, अगर इस तरह की अलामत आपको हो रही हो, तो आप ये दवा ले सकते हैं। 10 ड्रॉप 3 टाइम थोड़े से पानी में डाल के अपना पीना है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट दवा है कालकरिया फ्लोर 30। अगर आपको एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द और चुभन हो रही हो, एक्सरे कराने पे आपकी हड्डी बड़ी हुई हो, तो कालकरिया फ्लोर 30 बेस्ट दवा है इस कंडीशन में। ये दवा एड़ी की बड़ी हुई हड्डी को भी आस्ते आस्ते कम करेगी और दर्द में भी आपको आराम देगी। 10 ड्रॉप 3 टाइम थोड़े से पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। हमारी नेक्स्ट दवा है मैग्नीशियम फास्ट 30। एड़ी में बहुत ज्यादा शदीद दर्द हो, चलने फिरने से भी आपका दर्द बढ़ रहा हो, और आपको किसी पल भी सुकून ना आ रहा हो, कोई दवा से आपको आराम ना आ रहा हो, बहुत ज्यादा चुभन और जलन का एहसास हो, तो आप मैग्नीशियम फास्ट 30 के 10 कतरे ले सकते हैं 3 टाइम। अगर दर्द की शिद्दत ज्यादा है, तो हर 2-2 घंटे बाद आप ये दवा रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली दवा है रूटा 30। ये दवा आपके दर्द को कम करती है और सूजन को भी ठीक करती है। जिन लोगों की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, या आजा में चोट या थकन का सा दर्द होता हो, तो रूटा लेने से आपको काफी आराम आता है। इसके भी 10 ड्रॉप 3 टाइम थोड़े से पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट दवा है बायो 19। ये बायोकेमिक दवा है। अगर आपको यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, मसल में बहुत ज्यादा स्टफनेस हो गई हो, तो आप ये दवा ले सकते हैं। 4-4 गोलियां दिन में 3 टाइम आपने लेनी है। अगर दर्द की शिद्दत ज्यादा है, तो हर 2-2 घंटे बाद आप ये गोलियां ले सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक अद्वियात इन अलामत की बुनियाद पर ली जाए तो मरीज जल्द ठीक हो जाता है। आराम आने की सूरत में आपने दवा कुछ दिन खा के बंद कर देनी है। आखिर में कुछ जरूरी एहतियात हील पेन के मरीजों के लिए। दोस्तों, अगर दवा के साथ साथ आप इन जरूरी एहतियातों पर अमल करेंगे, तो जल्द ठीक होंगे। सबसे पहले आपने ज्यादा देर खड़े होकर काम नहीं करना है। अपने वजन को कंट्रोल रखें। जूते आपने बहुत आरामदेह पहने हैं, मेडिकेटेड शूज पहने अगर आपको हील पेन की प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपको सूजन हो गई है एड़ी में, तो आपने हल्के नीम गर्म पानी में थोड़ा सा लाहौरी नमक डाल के आपने सिकाई करनी है। दोस्तों, इन जरूरी एहतियात पे अमल करेंगे तो आप जल्द इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकेगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।